गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th कॉमर्स। तो आज के इस सेशन में हम बिजनेस स्टडीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अपने चैप्टर को, जो लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट किया था, जो कि क्या था, फाइनेंशियल मार्केट। तो आज का सेशन कौन सा है, ये सेशन नंबर 4 फॉर फाइनेंशियल मार्केट। ओके, तो आगे कॉन्टिन्यू करते हैं सेशन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस सेशन के हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस सेशन, स्टूडेंट विल बी एबल टू स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, दैट इज SEBI, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी आप इस सेशन के बाद क्या सीख पाएंगे कि हमारे सेबी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस बेस पर उसको सेटअप किया गया था। सेकेंड वन, यू आर एबल टू एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ सेबी, आप सेबी के फंक्शंस को भी इजिली एक्सप्लेन कर पाएंगे। ओके, तो दीज आर दी डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स ऑफ पर्टिकुलर सेशन, ऑफ टूडेज पर्टिकुलर सेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सेबी, सेबी क्या है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी, इज एन एपेक्स बॉडी फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ दी सिक्योरिटीज मार्केट। यानी सबसे टॉप मोस्ट जो बॉडी है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, किसकी डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट एज वेल एज रेगुलेशन के लिए, सिक्योरिटी मार्केट की सबसे एपेक्स बॉडी जो है वो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी। कब सेटअप हुई थी, इट वॉज सेटअप इन April 12, 1988, यानी 12 अप्रैल 1988 को इसको सेटअप किया गया था। क्या हुआ था उस समय पर, टू स्टार्ट विद, सेबी वॉज सेटअप एज अ नॉन स्टैचुटरी बॉडी। जब इसको इनिशियली सेटअप किया गया था तो इसको कोई स्टैचुटरी डिक्लेरेशन नहीं दी थी हमने, कोई एक लीगल एंटिटी अलग से प्रोवाइड नहीं की गई थी। लेटर ऑन इट बिकेम अ स्टैचुटरी बॉडी, बाद में इसको लीगल एंटिटी दे दी गई। ठीक है, तब एक एक्ट पास कर दिया गया, दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, और उस एक्ट के थ्रू इसको कुछ पावर्स मिली। द एक्ट इंटरेस्टेड सेबी विद कॉम्प्रिहेंसिव पावर ओवर प्रैक्टिकली ऑल द एस्पेक्ट ऑफ कैपिटल मार्केट ऑपरेशन। जिसमें पावर्स जो मिली वो किस से रिलेटेड थी, कैपिटल मार्केट के ऑपरेशन से रिलेटेड, कि सारे रेगुलेशंस को और डेवलपमेंट जो था कैपिटल मार्केट का, वो पूरा का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में दे दिया गया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को। दैट इज व्हाट इज सेबी इज ऑल अबाउट, ये है सेबी। तो आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, किस वजह से इसको सेटअप किया गया था। तो आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंजेस एंड द सिक्योरिटीज इंडस्ट्री टू प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शनिंग। यानी कि वो स्टॉक एक्सचेंज को पहले रेगुलेट करेंगे, उसके रेगुलेशंस को रखेंगे, उसे कंटिन्यू रखने के लिए जो जो उनको मेजर्स लेने हैं वो सारे उसमें इंप्लीमेंट करेंगे। एट द सेम टाइम सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, उनकी फंक्शनिंग को ऑर्डरली चलाने के लिए वो नए नए स्टेप्स लेंगे। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव था सेबी का। सेकेंड वन, टू प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, पर्टिकुलरली इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, एंड टू गाइड एंड एडुकेट देम। सेकेंड ऑब्जेक्टिव था, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था वो ये, कि एक तो जो इन्वेस्टर्स जो बिजनेस में सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहता है, एक तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, कि उनके पास जो जो राइट्स है वो बने रहें और वो अपने राइट को इन्फोर्स भी करा पाएं। एट द सेम टाइम उसके इंटरेस्ट को भी मेनटेन करके रखना, कि उनके साथ कुछ चीटिंग ना हो जाए, अनफेयर ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना, और साथ साथ उन्हें गाइड और एडुकेट करना कि वो किस तरीके से सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो एडुकेट भी उनको करना कि वो ऐसे क्या स्टेप्स ले जिससे उनके साथ कोई चीटिंग ना हो। तो इस तरीके की सारी नॉलेज प्रोवाइड करना सेबी के ऑब्जेक्टिव्स में आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था सेबी का। थर्ड वन, टू प्रोटेक्ट, टू प्रिवेंट ट्रेडिंग मैल प्रैक्टिसेस एंड अचीव अ बैलेंस बिटवीन सेल्फ रेगुलेशन बाय द सिक्योरिटीज इंडस्ट्री एंड इट्स स्टैट्यूटरी रेगुलेशन। ये भी ध्यान रखना कि कोई भी मैल प्रैक्टिसेस, कोई अनफेयर मीन्स ना हो रहा हो, कोई भी गलत तरीके का फ्रॉड चीटिंग ना हो रही हो इन सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज के अंदर, ये इंश्योर करना भी इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, नंबर फोर्थ और लास्ट ऑब्जेक्टिव जो था सेबी का, वो था टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिसेस बाय इंटरमीडियरीज लाइक ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स एक्सेट्रा, विद अ व्यू टू मेकिंग देम कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल। और इस बात का भी ध्यान रखना कि जो भी मेंबर्स थे स्टॉक मार्केट के, जिनको हम इंटरमीडियरीज बोल सकते हैं, ब्रोकर्स बोल सकते हैं, मर्चेंट बैंकर्स बोल सकते हैं, डिपॉजिटरी बोल सकते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बोल सकते हैं, एंड अदर मेंबर्स ऑफ द स्टॉक मार्केट, उनके लिए नया रूल लेके आना, कोड ऑफ कंडक्ट लेके आना, और उनको प्रमोट करना कि किस तरीके से फेयर प्रैक्टिसेस अप्लाई की जा सकती है इसके अंदर, इस बात को इंश्योर करना भी इनका एक मेजर ऑब्जेक्टिव था।
इसके पीछे रीजन क्या था कि कोई कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया जाए जिससे सभी उसको एक सिमेट्री में फॉलो करें, जिससे कंसिस्टेंसी रहे और कॉम्पिटिटिव फीलिंग आए और प्रोफेशनल नॉलेज डेवलप हो जाए और वो अच्छी सर्विसेज अपने मेंबर्स को, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए। ओके, तो उनको रेगुलेट करना और डेवलप करना कोड ऑफ कंडक्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। दीज आर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी जो हमने डिस्कस किए। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे स्किप करते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी के क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है सेबी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फंक्शंस को। सेबी के फंक्शंस को हम ब्रॉडली थ्री मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। व्हाट आर दीस, क्या क्या हैं कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज प्रोटेक्टिव फंक्शन, फर्स्ट वन इज प्रोटेक्टिव, सेकेंड वन इज डेवलपमेंट फंक्शन, डेवलपमेंटल फंक्शन, थर्ड वन इज रेगुलेटरी फंक्शंस। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्टिव फंक्शंस। ओके, तो प्रोटेक्टिव फंक्शंस में कौन कौन से फंक्शंस सेबी परफॉर्म करता है। तो अंडर प्रोटेक्टिव फंक्शंस सेबी हैज परफॉर्म्ड फोर मेजर फंक्शंस, चार काम उन्हें करने होते हैं। वो मेजर फोर वर्क्स कौन कौन से हैं, फोर फंक्शंस कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक मेकिंग मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, मैनिपुलेशंस, प्राइस रिजिंग एक्सेट्रा। यानी किसी भी तरीके की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को प्रोहिबिट करना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना और मिसलीडिंग स्टेटमेंट को ना करने देना। मिसलीड ना, ऐसी स्टेटमेंट ना कोई कंपनी में करे, स्टेटमेंट ना दे जो मिसलीड कर रही हो, जिससे इन्फ्लुएंस होके इन्वेस्टर्स कोई बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे, और ना ही कोई मैनिपुलेशन हो रहा हो। एट द सेम टाइम प्राइस रिगिंग भी नहीं करना। ये सब ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कहीं ना कहीं चीटिंग की तरफ इशारा करती हैं, जिससे कि इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट एरिया होता है वो प्रोटेक्ट नहीं रह पाता। तो इस बात का ध्यान रखना भी सेबी का ही एक वर्क है, जिसमें वो इन चीज़ों को रोकती है और वो सभी स्टेप्स लेती है जिससे इस तरीके की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जा सके या इस इन तरीके की एक्टिविटीज़ को रोका जा सके। ओके ओके, तो हमने क्या बोला प्रोटेक्टिव फंक्शन में, फर्स्ट फंक्शन कौन सा होता है इसमें, टू कंट्रोल और चेक्स ऑन प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग का मतलब क्या होता है, प्राइस रिगिंग रेफर्स टू मैनिपुलेटिंग प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फ्लेटिंग और डिप्रेसिंग द मार्केट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। यानी कभी कभी क्या होता है, कंपनीज क्या कर सकती हैं, कोई और इंस्टीट्यूशन भी कर सकता है, कि अपनी सिक्योरिटीज के प्राइस को मैनिपुलेट करता है उसका बेनिफिट लेने के लिए, जिससे कि मार्केट में उनकी सिक्योरिटीज का प्राइस या तो बढ़ाया जा सके और या तो घटाया जा सके, जिससे उसका बेनिफिट डायरेक्टली उस पर्सन को या उस इन्वेस्टर्स को मिल जाए या कंपनी को मिल जाए। तो इसी को बोलते हैं प्राइस रिगिंग। पर्पस क्या होता है, मैनिपुलेशन करना प्राइसेस में। पर्पस क्या है, मैनिपुलेट करके या तो प्राइस सिक्योरिटीज के प्राइस को इन्फ्लेट कर देना यानी बढ़ा देना, या फिर उसे डिप्रेस कर देना घटा देना और उसका डायरेक्टली बेनिफिट ऑक्युपाय कर लेना, ले लेना। दैट इज व्हाट इज प्राइस रिगिंग। तो ये किस फंक्शन में आता है, ये सभी के प्रोटेक्टिव फंक्शन में आता है, कि इस तरीके की एक्टिविटीज यदि कहीं पर हो रही हैं जो कि इन्वेस्टर्स के लिए चीटिंग हो रही है इसका मतलब, और उनके इंटरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट नहीं कर रही हैं वो, और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ नहीं है, इसलिए तो इस तरीके की एक्टिविटी को कंट्रोल करना है। तो ये किस फंक्शन में आ रहा है, प्रोटेक्टिव फंक्शन में। ओके, और सेकेंड फंक्शन अंडर प्रोटेक्टिव फंक्शन इज कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज फॉर सच प्रैक्टिसेस। यानी इनसाइडर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना और यदि कोई इस तरह की प्रैक्टिसेस कर रहा है तो उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज करना, ये सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव फंक्शन है। ओके, तो हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव फंक्शन जो है वो क्या है, प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग। अब इनसाइडर ट्रेडिंग होता क्या है, कई बार क्या होता है कुछ कंपनी के जो ऑफिशियल्स होते हैं, इम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके पास कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जिसके बेसिस पर वो कुछ एडवांटेज ले सकते हैं सिक्योरिटीज़ को, या तो बेच के या खरीद के। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कंपनी इज़ नाउ गोइंग टू अनाउंस अ बोनस शेयर्स, फ्यूचर में कोई वो बोनस शेयर इशू करने की सोच रही है, इसका मतलब दोज वो आर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर गेट बोनस बेनिफिट, उनको बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। टू अवेल दैट बेनिफिट वो क्या कर सकता है इनसाइडर, वो इंप्लॉई क्या कर सकता है या वो मेंबर क्या कर सकता है जिसके पास ये नॉलेज मिल चुकी है, वो मार्केट से जाके उस कंपनी के शेयर खरीद लेता है और उसका एडवांटेज लेता है, इसका मतलब उसे भी अब बोनस शेयर्स में पार्टिसिपेशन मिल जाएगा। यदि इस तरीके की एक्टिविटीज हो रही है और यदि सेबी के नॉलेज में आ जाती है तो सेबी उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है। यानी इनसाइडर कौन होता है, जो कंपनी के साथ इनसाइड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जिसके पास कंपनी की कुछ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन उसको अवेलेबल है जिसका एडवांटेज वो फ्यूचर में ले सकता है। यदि सेबी को ऐसा नॉलेज में आता है कि कोई ऐसा एडवांटेज लेने की सोच रहा है तो उस पर एक्शन लिया जाता है। और ये किस फंक्शन में आता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन में। इस तरह की वर्क को हम कहते क्या है, इसको हम इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। और कंपनी सेबी क्या करती है, उस पर पूरा कंट्रोल करने के लिए पहले से ही पूरा सुपरविजन करती है कि इस तरह की एक्टिविटीज कंपनी में कभी ना हो पाए।
ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन था हमारा अंडर प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सेबी. ओके, थर्ड फंक्शन अंडर प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सेबी इज प्रोहिबिट्स फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. यानी सेबी क्या करेगी, यदि कोई फ्रॉडुलेंट या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है या कोई ऐसी स्टेटमेंट पास कर रहा है जिससे इन्फ्लुएंस होके कंपनी के शेयर्स मार्केट से यदि इन्वेस्टर चाहता है तो वो खरीद लेता है, उससे इन्फ्लुएंस होके, उनकी स्टेटमेंट से इन्फ्लुएंस होके कंपनी के वो शेयर खरीद रहा है कोई इन्वेस्टर्स, और एक्चुअली में वो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, वो मिसलीड करने के लिए थी, इंड्यूस करने के लिए थी, जिससे कि जो इन्वेस्टर्स है वो इन्फ्लुएंस होके मार्केट से वो सिक्योरिटीज को खरीद ले. तो इनका इंटेंशन बाइंग को बढ़ाना था, सेलिंग को इंक्रीज करना था, जिससे कि लोग खरीदे उनके इन्वेस्टमेंट को. तो इस तरह की एक्टिविटीज को भी सेबी कंट्रोल करने के लिए सारे स्टेप्स लेता है. तो ये फ्रॉडुलेंट या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कहलाती हैं. ये भी किस कौन से फंक्शन के अंडर में आता है, प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ सेबी में. ओके ओके, लास्ट फंक्शन अंडर प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सेबी इज एडुकेट इन्वेस्टर्स. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है अंडर प्रोटेक्टिव फंक्शन, कि सेबी एडुकेट करता है इन्वेस्टर्स को कि किस तरीके से वो ऑनलाइन और ऑफलाइन सेमिनार अटेंड कर सकता है और उससे नॉलेज मिल सकती है, उसको किस तरीके से डील करना है फाइनेंशियल मार्केट में, कैसे बाइंग करनी है, क्या क्या उसके राइट्स हैं, कैसे वो एग्जीक्यूट कर सकता है अपने राइट्स को, ये सारी नॉलेज उसे उस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि उसके साथ कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ना हो पाए, उसे कोई चीटिंग ना कर पाए उसके साथ. मेन ऑब्जेक्टिव यही है इसके पीछे भी. तो ये भी किस कैटेगरी में आता है, अगेन प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सेबी के अंडर में ही आता है. और लास्ट फंक्शन अंडर प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सेबी इज इशू गाइडलाइंस. सेबी टाइम टू टाइम बेसिस पर, पीरियडिकल बेसिस पर कुछ गाइडलाइंस भी इशू करता है जिसके थ्रू वो अपने इन्वेस्टर्स को उनके इंटरेस्ट एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ डिफरेंट गाइडलाइंस, सजेशंस, एडवाइसेस देता है जिससे वो अपने राइट्स को भी एग्जीक्यूट कर पाएं और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट भी कर पाएं. ओके, तो दीज आर सम ऑफ द प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ सेबी. ओके, अब हम मूव करते हैं अपने सेकेंड कैटेगरी की तरफ. सेकेंड कैटेगरी इज डेवलपमेंटल फंक्शन ऑफ सेबी, कि कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो सेबी परफॉर्म करता है अंडर डेवलपमेंटल फंक्शन. ओके, तो फर्स्ट जो है इसमें फंक्शन, डेवलपमेंटल फंक्शन में, वो है ट्रेनिंग टू इंटरमीडियरीज. यानी जो भी इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व हैं सेबी के अंदर, जो मेंबर्स इन्वॉल्व हैं उसके अंदर, उनको ट्रेन करना, उन्हें ट्रेनिंग कैसे देना, उन्हें प्रमोशन करना, उन्हें टाइम टू टाइम पर उन्हें डिफरेंट ऑप्शन समझाना कि किस तरीके से बिजनेस की एक्टिविटीज़ को, सिक्योरिटीज मार्केट की एक्टिविटीज़ को और अच्छा किया जा सकता है. तो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ट्रेनिंग टू इंटरमीडियरीज. हम सेकेंड फंक्शन की तरफ चलते हैं डेवलपमेंटल फंक्शन में. सेकेंड फंक्शन डेवलपमेंट फंक्शन इज कंडक्टिंग रिसर्च. यानी सेबी क्या करता है, डिफरेंट टाइमिंग पर, डिफरेंट इंटरवल पर अपने कुछ रिसर्च भी कंडक्ट करता है और रिसर्च के बेसिस पर अपनी कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश भी करता है जो कि यूजफुल होती है, जो भी मार्केट में पार्टिसिपेंट्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो वो पब्लिश करता है. पब्लिश कब करता है, आफ्टर कंडक्टिंग सेवरल रिसर्चेस, जिसके बेसिस पर वो अपनी रिपोर्ट तैयार करता है. उसका भी वो फायदा उठा सकते हैं जितने भी मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट्स होते हैं. ये भी किस कैटेगरी में आता है फंक्शन उनका, डेवलपमेंटल फंक्शन में. ओके, थर्ड फंक्शन अंडर डेवलपमेंटल फंक्शन ऑफ सेबी इज स्टॉक मार्केट रिफॉर्म्स. डिफरेंट रिफॉर्म्स लेके आता है सेबी बिजनेस के अंदर, सिक्योरिटी मार्केट के अंदर. कैसे रिफॉर्म्स हो सकते हैं, इट अंडरटेक मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट बाय अडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल अप्रोच, जैसे कि इंटरनेट ट्रेडिंग थ्रू रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स. यानी आप अब घर बैठ के किसी भी स्टॉक रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू बाइंग परफॉर्म कर सकते हैं. आपको किसी पर्टिकुलर जगह पर जाके अपनी सिक्योरिटीज़ को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एट द सेम टाइम उसने अंडरराइटिंग को ऑप्शनल भी कर सकते हैं वो. यानी दिस आर सम ऑफ द स्टॉक मार्केट रिफॉर्म जो सेबी ने आगे परफॉर्म की है, रिफॉर्म्स जो लेके आई है वो सिक्योरिटी मार्केट के अंदर. ये भी किस कैटेगरी में आता है, अगेन डेवलपमेंटल फंक्शंस ऑफ सेबी में. ओके ओके, तो हम लास्ट कैटेगरी पे आ गए हैं सेबी के फंक्शंस की, दैट इज रेगुलेटरी फंक्शंस. थर्ड कैटेगरी जो है वो रेगुलेटरी फंक्शंस की है. अंडर रेगुलेटरी फंक्शंस सेबी परफॉर्म सेवरल फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, वो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज सेबी रजिस्टर्स एंड रेगुलेट्स द वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स. सबसे पहले क्या कर रहा है वो, यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स को रजिस्टर्ड करता है और उसे रेगुलेट करता है. यानी आप डिफरेंट जो म्यूचुअल फंड्स आप परचेज करते हैं मार्केट से, उसको रजिस्टर और रेगुलेट करने का काम, उसकी वर्किंग को लेके म्यूचुअल फंड्स की, वो किसके अंडर में आता है, अगेन सेबी के अंडर में ही आता है. सेकेंड फंक्शन रेगुलेटरी में जो आता है वो आता है सेबी रेगुलेट्स टेक ओवर ऑफ कंपनीज. यदि कोई कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करने की सोच रही है तो उसके लिए रेगुलेशन अप्लाई करना, किस तरीके का प्रोसीजर होगा, क्या क्या आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी, ये सब भी गाइडलाइंस कौन देता है, सेबी ही प्रोवाइड करता है.
थर्ड फंक्शन अंडर रेगुलेटरी फंक्शन इज सेबी कंडक्ट इंक्वायरीज एंड ऑडिट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। सेबी चाहता है तो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज की वो इंक्वायरी कर सकता है और उसके अकाउंट्स को ऑडिट भी कर सकता है, चेकिंग भी कर सकता है उसकी। यदि उनको डाउट लग रहा है कि भाई स्टॉक एक्सचेंज में कुछ अच्छी अनफेयर तरीके से एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं तो वो कंडक्ट करा सकता है उनकी इंक्वायरी और उसकी ऑडिट, ठीक है, अकाउंट्स भी चेक करवा सकता है उनके। तो ये सब किसके पावर्स में आता है? सेबी के अंडर में आता है और ये फंक्शन कौन सा फंक्शन कहलाता है? रेगुलेटरी फंक्शन कहलाता है। फोर्थ जो हमारा फंक्शन अंडर रेगुलेटरी फंक्शन, दैट इज सेबी रजिस्टर्स एंड रेगुलेट्स द वर्किंग ऑफ स्टॉक। जो सिक्योरिटीज में डील कर रहा है स्टॉक मार्केट में, उसको रजिस्टर करना, उसको रेगुलेट करने का काम भी सेबी के अंडर में ही आता है। इसमें और भी चीज़ें आती हैं, जैसे स्टॉक ब्रोकर्स जो होते हैं उनको कैसे रेगुलेट करना है, उनको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या होगा। यदि आप मान लीजिए एक रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होंगी, आप सब ब्रोकर बनना चाहते हैं तो उसकी क्या फॉर्मेलिटी होगी, आप इशू करने के लिए जो ब्रोकर अपॉइंट होता है उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उसका मेंबरशिप कैसे ली जाती है, और आप मान लीजिए कंपनी का रजिस्ट्रार बनना चाहते हैं, इशू रजिस्ट्रार, तो आप कैसे बन सकते हैं। ये सभी चीज़ें रजिस्टर करना और उसको रेगुलेट करना, इवन आप शेयर ट्रांसफर एजेंट भी बनना चाहते हैं तो उसके रजिस्ट्रेशन का और उसके रेगुलेशन का सारा काम सेबी के अंडर में ही आता है। यानी जितने भी आप ये इंटरमीडियरीज देख रहे हैं स्टॉक मार्केट के, उसको रजिस्टर करना और उसे रेगुलेट करना और उनकी वर्किंग को कंट्रोल करना, अगेन रेगुलेटरी फंक्शन के अंडर में ही आता है। और ये कौन परफॉर्म करता है? सेबी। नेक्स्ट फंक्शन जो आता है रेगुलेटरी में, वो आता है सेबी रेगुलेट्स द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज इन सिक्योरिटी मार्केट। जितने भी फंक्शन स्टॉक मार्केट में परफॉर्म हो रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में परफॉर्म हो रहे हैं, उसे रेगुलेट करने का काम भी सेबी के अंडर में आता है। यानी पूरा सुपरविजन कंट्रोल सेबी ही करता है। नेक्स्ट फंक्शन जो है सेबी का, वो है सेबी हैज नोटिफाइड रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट टू रेगुलेट द इंटरमीडियरीज इन द सिक्योरिटी मार्केट सच एज अंडरराइटर्स, मर्चेंट्स, ब्रोकर्स एक्सेट्रा। सेबी ने अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बना रखे हैं, इवन अपने कोड ऑफ कंडक्ट भी दे रखे हैं हर इंटरमीडियरीज को लेके, कि अंडरराइटर को क्या क्या काम करने हैं, उसके पास क्या क्या पावर्स हैं, उसके क्या क्या रूल्स हैं, उनके कोड ऑफ कंडक्ट्स क्या हैं, ऐसे ही मर्चेंट्स के, ब्रोकर्स के क्या रूल्स हैं, क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, रेगुलेशंस क्या क्या फॉलो करनी है, ये सब नोटिफाई कौन करता है? सेबी नोटिफाई करता है। और उन सबको, सभी इंटरमीडिएट्स को वो फॉलो करने पड़ते हैं, और फॉलो ना करने पर उनकी मेंबरशिप भी कैंसिल की जा सकती है। ओके, अब मैं लास्ट रेगुलेटरी फंक्शन पे आ चुका हूं, दैट इज लेविंग फी और अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट। जितने भी तरीके की फी होती है उसे इंपोज करना, लेवी करना और चार्जेस लगाना, ये सारा काम किसके अंडर में आता है? अगेन सेबी के ही अंडर में आता है। और ये सभी फंक्शन कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? रेगुलेटरी फंक्शंस कहलाते हैं। तो अभी तक के सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? हमने सेबी के ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया और सेबी के फंक्शंस को डिस्कस किया। कौन कौन से फंक्शंस थे? प्रोटेक्टिव फंक्शंस थे, डेवलपमेंटल फंक्शंस थे, एट द सेम टाइम रेगुलेटरी फंक्शंस थे। अब इसके बेसिस पर मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, आप ट्राई करिएगा उसका आंसर देने की, फिर हम वो डिस्कस करेंगे उसका आंसर। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर वन, दैट इज राहुल इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। राहुल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है एक कंपनी के अंदर। क्या नाम है कंपनी का? पी लिमिटेड। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मीटिंग विद डायरेक्टर्स ही केम टू नो दैट As against the previous year, this year company is going to declare handsome dividend offer. उसको ये पता लगा जब वो बात कर रहा था डायरेक्टर्स के साथ, तो उसके नॉलेज में ये आया कि कंपनी इस साल क्या करने वाली है, बड़ा अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है, डिविडेंड बांटने वाली है। इट इज ऑब्जर्व डेट वेन सच न्यूज बिकम पब्लिक देन द शेयर मार्केट जम्प्स अप। इसकी वजह से क्या होने वाला है, जैसे ही किसी को ये पता लगेगा पब्लिक को कि भैया ऐसा कुछ ऑफर आने वाला है कंपनी की साइड से, तो कंपनी में क्या होने वाला है, शेयर मार्केट बड़ी जल्दी जंप करेगी, शेयर मार्केट में सिक्योरिटीज के रेट बढ़ जाएंगे। कंसिडरिंग इट राहुल परचेज लार्ज नंबर ऑफ कंपनी शेयर। इस बात को ध्यान रख के उसने क्या सोचा कि भाई रेट बढ़ने वाले हैं, तो उसने मार्केट में गया वो और वहां से क्या कर लिया, उसने शेयर्स परचेज कर लिए। बिफोर दिस न्यूज रीच टू पब्लिक, पब्लिक में नहीं पहुंची थी। इन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मैल प्रैक्टिस यूज बाय राहुल, किस तरह की प्रैक्टिस चल रही है ये? करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग क्या हो गई? तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ इसका? क्या ये प्राइस रिगिंग है या ये इनसाइडर ट्रेडिंग है? इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा आपके हिसाब से? आपको पता लग गया है कि राहुल चार्टर्ड अकाउंटेंट था, अब उसको जब डायरेक्टर से मीट किया उसने, तो वहां पता लगा उसके नॉलेज के बारे में कि भाई डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि वो हैंडसम डिविडेंड डिक्लेयर करने की सोच रहे हैं, और इसका एडवांटेज लेने के लिए उसको नॉलेज मिल गई कि क्यों ना मैं मार्केट में जाके इनके मार्केट से शेयर परचेज कर लूं, जिससे कि वो उस डिविडेंड का एडवांटेज मैं भी ले पाऊं। तो आपको दिख नहीं रहा यहां पर कि ये प्राइस रिगिंग नहीं है, ये रेट बढ़ाने के लिए नहीं किया जा रहा है, यहां पर उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है
जो कि एक इन्फ्लुएंशियल इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से उसका एडवांटेज वो उठा रहा है बिजनेस का। तो ये किस तरह की ट्रेडिंग कहलाती है? ये प्राइस रिगिंग नहीं है, ये इनसाइडर ट्रेडिंग है। तो ये ध्यान रखना कि आपको कभी कभी कंफ्यूजन हो सकती है दो आंसर्स के बीच में, इसलिए आप उसको बड़े ध्यान से चूज करेंगे, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो ये केस था, ये कौन सा मैल प्रैक्टिस हो रही है राहुल के द्वारा? ये इनसाइडर ट्रेडिंग है। अगेन यदि ये सभी की सभी ने इस बात को ऑब्जर्व कर लिया तो राहुल के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। ओके, तो ये मैल प्रैक्टिस कौन सी कैटेगरी में आई? इनसाइडर ट्रेडिंग। ओके, तो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। The directors of Z Limited decided to declare bonus issue of equity shares to the shareholders in its annual general meeting. AGM में decide किया Z Limited के director ने कि हम इस साल क्या करेंगे, bonus issue करेंगे, bonus दे देंगे अपने equity shareholders को। अब क्या हुआ, जैसे ही news पता लगी, सभी directors थे वहाँ पर, immediately one of the directors, जो जो meeting में मौजूद था उनमें से किसी एक director ने क्या किया, मार्केट से, स्टॉक मार्केट से जाके अपनी ही कंपनी के 20,000 शेयर्स परचेज कर लिए 30 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, क्योंकि उस समय रेट कम चल रहा था, क्योंकि बोनस इशू नहीं आया था। जैसे ही ये बोनस इशू आया, उससे पहले जाके उसने मार्केट से 30 रुपीज़ के हिसाब से अपनी ही कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, और जैसे ही डिक्लेयर हुआ वो बोनस, उसी समय उसने अपनी कंपनी के उन सभी शेयर्स को 100 रुपीज़ के हिसाब से बेच दिया। कैसे बेच पाया वो? क्योंकि बोनस इशू आ गया था तो रेट एकदम मार्केट में जंप हो गए, और जो 30 रुपीज़ का शेयर था वो इमीडिएटली कितने का हो गया? 100 रुपीज़ का हो गया। इसका मतलब उसका एडवांटेज किसने उठाया? वन ऑफ द डायरेक्टर्स, उन्हें उसका एडवांटेज उठा लिया बोनस शेयर्स का। ओके, और उसने उसकी वजह से क्या कमाया? कैपिटल गेन अर्न कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या है आपके सामने? अब ये भी एक अनफेयर मीन है, ये भी माल प्रैक्टिस है। अब ये नेम दी प्रैक्टिस यूज बाय दी डायरेक्टर, अब जो भी माल प्रैक्टिस यूज करी है उस डायरेक्टर ने, उसका नाम क्या है? अब आपको क्लियर हो गया होगा ये क्या है, इनसाइडर ट्रेडिंग। क्योंकि हमें पता लग चुका है, क्योंकि वो एक इंटरनल नॉलेज थी उसको कुछ इन्फॉर्मेशन की, और उसका एडवांटेज उसने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए लगाया, और इसी वजह से इस तरह की ट्रेडिंग को हम क्या बोलते हैं? इनसाइडर ट्रेडिंग। अगेन यदि यहाँ पर भी सेबी की गाइडलाइंस, सेबी की सुपरविजन में ये चीज़ आ जाती है, तो अगेन उस डायरेक्टर के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई दी फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी आपको सेबी का फंक्शन बताना है कौन सा है यहाँ पर, बींग प्रमोटेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कुछ केसेज होंगे उसमें से आपको बताना है कि कौन सा फंक्शन है। सेबी हैज इंट्रोड्यूस न्यू रूल्स which will prevent the outgoing promoters from continuing to exercise their control on the company directly or indirectly. SEBI ने एक नया रूल बना दिया जिसमें उसने उन प्रमोटर्स के उस राइट्स को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए रूल बनाया, जो पहले काम कर रहा था अब वो फ्यूचर में उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी कंट्रोलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ऐसा रूल किसने इंट्रोड्यूस कर दिया? SEBI ये रूल लेके आ गया प्रमोटर्स के उस राइट को प्रिवेंट, रोकने के लिए, ठीक है, जिससे कि वो इन्फ्लुएंस ना कर पाए कंपनी को। इस तरह का यदि कोई रूल सेबी लेके आ रहा है तो ये किस फंक्शन में आता है? तो जितने भी कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स और रेगुलेशंस आते हैं ज्यादातर वो किस में आते हैं? रेगुलेटरी फंक्शंस में आते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी कोई रूल्स इंट्रोड्यूस किया जाएगा या कोई कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज किया जाएगा, लाया जाएगा सिक्योरिटीज से रिलेटेड, तो उस केस में वो किस कैटेगरी में आने वाला है सेबी के? रेगुलेटरी फंक्शन में आने वाला है। ओके, सेकेंड पार्ट लेते हैं इस क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का। SEBI has emphasized that there should be some uniformity in the remuneration rates for the financial intermediaries so that arbitrage opportunities are reduced and investors can take a proper decision. SEBI ने क्या किया? एक स्टेप लिया और यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, किस चीज़ की यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए? रेमुनरेशन रेट को लेके, कि जितने भी इंटरमीडियरीज जो हैं, जो आर्बिट्रेज करते हैं वहाँ पर, जो ब्रोकर्स हैं, उनके लिए एक पर्टिकुलर रेट फिक्स कर दिया जाए कि भाई उनको कितनी ब्रोकरेज मिलेगी या कितनी कमीशन मिलने वाली है एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के ऊपर। इसके लिए उन्होंने यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एक एक्शन लिया। अब ये एक्शन आपको लग रहा है इन्वेस्ट सेबी के कौन से फंक्शन के अंडर में आता है? इससे किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहा है? अगेन, क्योंकि इसका एडवांटेज कौन उठाते हैं? ये मिडल मैन या ब्रोकर उठा लेते हैं, और उसको भुगतना कौन भुगतता है? उसको लॉस किसको होता है इसकी वजह से? इन्वेस्टर्स को होना पड़ता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को वो कमीशन पे करनी पड़ती है, वो रेमुनरेशन देना पड़ता है। तो उनके इस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी ने एम्फेसाइज किया। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? प्रोटेक्टिव फंक्शन। अगेन यहाँ पर किसके इंटरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट किया जा रहा है? किसके इंटरेस्ट एरिया को? इन्वेस्टर्स के, क्योंकि फाइनली रेमुनरेशन या जो भी कमीशन देनी है वो उसी को देनी है, वही देगा मिडलमैन को या इंटरमीडियरीज को या फिर ब्रोकर्स को। तो उसके इस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है इसके थ्रू। ओके, अब मैं लास्ट पार्ट पे आ रहा हूँ इसके, थर्ड पार्ट पे, सी पार्ट पे। सेबी हैज इम्पोज्ड अ टोटल पेनल्टी ऑफ 2.5 crores on 10 individual for indulging in manipulative trading in the shares of the company.
सेबी ने नोटिस किया कि भाई 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने मैनिपुलेट किया ट्रेडिंग को, यानी कुल मिलाकर प्राइस रिगिंग शायद वो कर रहे होंगे जिससे कि सिक्योरिटीज के रेट को शायद इन्फ्लेट किया जा सके या डिप्रेस किया जा सके। इस वजह को यदि वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे और सेबी ने नोटिस कर लिए जी, और उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की गई उन सभी 10 लोगों के ऊपर कलेक्टिवली 2.5 करोड़ रुपीज़ की। तो ये सेबी का जो ये काम था, ये एक्शन था, ये कौन से फंक्शन के अंडर में आ रहा है? अगेन हमने नोटिस किया था कि इस तरीके के कामों को रोकना काम था सेबी का, तो कौन से काम में आया था? ये प्रोटेक्टिव फंक्शन में। अगेन अब मुझे लगता है आप सबको ये आइडिया हो चुका है कि कौन से फंक्शन किस कैटेगरी में आने वाले हैं। ओके तो आज के इस पूरे सेशन में हमने नोटिस क्या क्या किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि सेबी क्या था, उसके थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा हमने, क्या मीनिंग था, कब सेटअप हुआ, उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा लिया। सेकेंडली हमने कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में स्टडी किया। फिर हमने डिस्कस किए उसके फंक्शंस जो हमने 3 कैटेगरीज में बांटे थे। फर्स्ट वन इज़ प्रोटेक्टिव, देन डेवलपमेंटल, देन रेगुलेटरी फंक्शंस। और उस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करे, कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, कुछ केस स्टडीज़ ले ली, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि कौन से एक्शन से हमें पता लगता है कि भाई ये कौन सा फंक्शन है। तो मुझे लग रहा है कि आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी और आपने अच्छे से समझ लिया होगा जो टॉपिक हमने समझा था आज किया इसमें, बहुत अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। यस और नो, आ गया ना समझ में? तो आज के लिए बस यहीं पे स्टॉप करता हूँ मैं वीडियो को। दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल टाइम थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।